सी कम्यूटेशन का जो सर्किट है वो दो थायरेस्टर से मिलकर कंसिस्ट होता है T1 वन एंड टी जिसके साथ सीरीज में दो रेसिस्टर कनेक्ट रहता है था। दोनों थायरेस्टर के मिड में कैपेसिटर कनेक्ट रहता है जिसका पोलरिटी इस तरह होता है इसमें एज अ सोर्स वोल्टेज डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट कंडीशन में थारिस्टर वन के गेट टर्मिनल पर गेट करेंट अप्लाई करते हैं तो थाइरेस्टर वन जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है एंड जो सोर्स करेंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से रेजिस्टर के थ्रू थास्टर वन में जाती है इस करेंट को आई वन करेंट बोल जो कि रेजिस्टर एंड थाइरेस्टर के थ्रू फ्लो कर रही है सो आई वन इज इक्वल टू भी एस बाई आर वन फिर भी एस इज़ दोर्स वोल्टेज जो सोर्स करेंट है वो इस पॉइंट से स्प्लिट होकर रजिस्टर टू के थ्रू कैपेसिटर में जाती है एंड कैपेसिटर के थ्रू थारिस्टर वन में जाती है इस करंट को कैपेसिटर करंट बोलेंगे सो आई सी इज़ इक्वल टू भी एस बाई आर टू इस टाइम जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है एंड कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो है भी सी दैट इज कैपेसिटर वोल्टेज मतलब इस टाइम थाइरेस्टर वन से दो करंट फ्लो कर रही है सो आई टी वन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई सी इस टाइम कैपेसिटर वोल्टेज भी सी का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होता है सो आई टी वन इज इक्वल टू भी एस इंटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू यहाँ पर भी एस को कॉमन लेंगे तो वन बाई आर वन एंड वन R2 आर टू लिखेंगे एंड कैपेसिटर करंट का जो इक्वेशन होगा वो है भी एस बाय आर टू इंटू वन माइनस ई टू द माइनस टी बाई आर टू सी एंड थायरेस्टर टू के क्रोस वोल्टेज जो होगा वो है Vt2 टी टू इज इक्वल टू सी टी मतलब थाइरेस्टर टू के करोस जो वोल्टेज होगा वो कैपेसिटर वोल्टेज के इक्वल होगा मतलब इस टाइम थाइरेस्टर टू के क्रॉस वोल्टेज का ओनली ड्रॉप होगा एंड थाइरेस्टर वन के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि जो थाइरेस्टर वन है वो कंडक्टिंग स्टेट में है अब इसके वेबफॉम को देखते हैं जब टी वन पर गेट करेंट अप्लाई करेंगे तो टीवन ऑन हो जाता है इस टाइम थायरेस्टर टू के गेट टर्मिनल पर ज़ीरो करेंट अप्लाई करते हैं एंड थायरेस्टो वन के अक्रॉस जो करेंट है आई वन एंड आई सी उसका ग्राफ इस तरह बनता है वो इस पॉइंट के बाद कॉन्स्टेंट हो जाती है जो कि भी एस बाई आर वन के इक्वल होती है एंड थायरेस्टो वन के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो ज़ीरो होता है क्योंकि इस टाइम थायरेस्टर वन हमारा जो है वो कंडक्टिंग स्टेट में है इस टाइम थायरेस्टर टू के करोस वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्योंकि वो ऑफ स्टेट में है वहाँ पे सिर्फ वोल्टेज का ड्रॉप होता है इसलिए उसका कुछ वैल्यू होगा एंड थायरेस्टर टू के करोस जो करेंट है वो ज़ीरो होती है क्योंकि थायरेस्टर टू जो है वो ऑफ स्टेट में है वहाँ पर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है एंड कैपेसिटर करेंट जो है वो इस तरह होती है एंड इस पॉइंट के बाद कैपेसिटर करेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है अब इस पॉइंट के बाद थायरिस्टर वन ऑफ हो जाएगा एंड थायरिस्टर टी टू के क्रॉस गेट करेंट अप्लाई करेंगे जिससे थायरिस्टर टी टू ऑन स्टेट में आ जाएगा सो so, इस टाइम सोर्स करेंट रजिस्टर वन के थ्रू कैपेसिटर में जाती है एंड थायरिस्टर टू से होते हुए सर्किट को कंप्लीट करती है इस टाइम पे थायरिस्टर टू के क्रोस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो नहीं होता है क्योंकि अब थायरेस्टर टू कंडक्टिंग स्टेट में आ गया है इस टाइम थायरेस्टर T1 के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा क्योंकि अब जो T1 है वो ऑफ स्टेट में है एंड जो कैपेसिटर करंट है उसका वैल्यू होगा आई सी इज इक्वल टू माइनस टू भी एस बाई आर वन इस टाइम कैपेसिटर फिर से चार्ज को स्टोर करता है एंड थायरेस्टर टू में करेंट का वैल्यू होगा भी एस इन टू टू बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू कैपेसिटर के क्रोज वोल्टेज जो होगा वो है भी एस इंटू टू पावर माइनस वन बाई आर वन सी माइनस वन एंड थाईरेस्टर टी वन के क्रोस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो है भी टी वन इज इक्वल टू माइनस भी सी इज इक्वल टू भी एस इंटू वन माइनस टू ई पावर माइनस टी बाई आर वन सी इसको भी हम लोग वेब फॉर्म के हेल्प से समझते हैं जब थाइरेस्टर टी टू पर गेट करेंट अप्लाई करते हैं तो टी टू कंडक्ट करने लगता है इस टाइम पर थारेस्टर T1 के क्रॉस जो करेंट का वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी क्योंकि अभी वो ऑफ स्टेट में है बट इस टाइम पर थाइरेस्टर T1 के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा जो कि माइनस बी से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा एंड इस पॉइंट पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा इस टाइम थायरिस्टेड टू के क्रॉस जीरो वोल्टेज का ट्रॉप होगा क्योंकि अभी थायरिस्टे टू कंडक्ट कर रहा है उसके थ्रू करेंट फ्लो कर रही है एंड थायरिस्टेड टू के क्रॉस जो करेंट है वो इस तरह से फ्लो करेगी स्टार्टिंग में हाई रहती है फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है एंड इस टाइम कैपेसिटर करेंट का जो ग्राफ है वो इस तरह होगा इसका वैल्यू निगेटिव से इंक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगी निगेटिव में इसका वैल्यू होगा माइनस टू भी एस बाई आर वन नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा अब हम लोग फर्स्ट कम्यूटेशन एंड नेचुरल कम्युटेशन के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझते हैं नेचुरल कम्यूटेशन में इसके इनपुट पे ऐसी सोर्स अप्लाई करते हैं इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है इसका यूज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड एसी वोल्टेज कंट्रोलर में किया जाता है इसमें ए टर्न ऑफ होने का मेन रीज़न होता है निगेटिव सप्लाई वोल्टेज नेचुरल कम्यूटेशन में ड्यूरिंग कम्यूटेशन प्रोसेस पावर लॉस नहीं होता है एंड फोर्स्ट कम्यूटेशन में इसके इनपुट टर्मिनल पर हम लोग डीसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं इस टाइप के कम्यूटेशन प्रोसेस में एक्सटर्नल सर्किट्री का रिक्वायरमेंट होता है फॉर्स्ट कम्यूटेशन का यूज चॉपर एंड इन्वर्टर सर्किट में किया जाता है इसमें जो ए सी आर टर्न ऑफ होता है वो ड्यू टू करेंट एंड वोल्टेज बोथ फॉर्स्ट कम्यूटेशन में ड्यूरिंग कम्युटेशन पावर लॉस होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सके